नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। पटना में उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज जो स्थिति है उसको देखकर दया आ रही है। ऐसी स्थिति पहले नीतीश कुमार की कभी नहीं थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल गांधी की तारीफ की है। उसे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी कांग्रेस के साथ 2024 के आम चुनाव में साथ होगी। शरद पवार ने कहा है कि हाल में एक नौजवान ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की यात्रा की है। उस यात्रा को बड़े पैमाने पर सराहना मिली, लेकिन सत्ता पक्ष को खामी ही मिली। राहुल गांधी ने हर तरह की आलोचनाओं की परवाह न करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को 100 पर ला देंगे वाले बयान पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 100 पर लाना आसान नहीं है। बीजेपी शेर नहीं सवा शेर है। 2024 में आपका नॉमिनेशन मिट जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को शिलोंग में भाषण दे रहे थे। इसी दौरान अचानक से एक हेलीकॉप्टर मैदान के ऊपर चक्कर काटने लगा। इससे उनके सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी सचेत हो गए। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट में लिखा, आज शिलोंग मेघालय में राहुल जी के भाषण के बीच अचानक से एक हेलीकॉप्टर कुछ यूं आकर मैदान के ठीक ऊपर चक्कर लगाने लगा। राहुल गांधी जी के सुरक्षा कर्मी भी सचेत हो गए। पुलिस प्रशासन ही इसकी जानकारी दे सकता है कि इस हेलीकॉप्टर में कौन था। बिहार में 27 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सदन में 28 फरवरी को राज्य सरकार बजट पेश करेगी। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और विधान परिषद के उपसभापति के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग की गई है। इस दौरान डीजीपी से लेकर कई अधिकारी शामिल रहे। बजट सत्र को लेकर तमाम चीजों पर जानकारी ली गई। बजट सत्र में प्रश्न उत्तर को लेकर हर तरह की व्यवस्था रहेगी। इसे लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने तमाम निर्देश दिए हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के बीच एक बार फिर से मारपीट हो गई है। आप और भाजपा पार्षदों के भिड़ने के कारण गुरुवार सुबह फिर से दिल्ली नगर निगम सदन की कार्यवाही पांचवी बार स्थगित कर दी गई। भारी नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन को बार बार व्यवधान का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी अराजक हो गई कि पार्षदों ने मत पेटियों को वेल में फेंकना शुरू कर दिया। पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पार्षदों को एक दूसरे को धक्का देते हुए देखा जा सकता है। बिहार सरकार चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने वाली है। दूसरी तरफ बिहार सरकार की कृषि नीतियों और कृषि रोड मैप का विरोध पूर्व कृषि मंत्री और रामगढ़ से आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह कर रहे हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा सत्र में मंडी कानून को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल लाया था। मामलों को सूचीबद्ध करने पर नियमों का पालन कथित रूप से नहीं करने को लेकर अपनी रजिस्ट्री के खिलाफ एक शिकायत का जवाब देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा है कि इस तरह के आरोप लगाने में गैर जिम्मेदाराना होना आसान है। शीर्ष ने कहा है कि इस तरह विषयों में न्यायाधीश नियमों का पालन कर रहे। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ तमिलनाडु में नौकरी के लिए रिश्वत प्रकरण से उपजे मामले अलग अलग न्यायाधीशों के पास सूचीबद्ध किए जाने का वकीलों द्वारा उल्लेख किए जाने पर सुनवाई कर रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के उनके बेटे को सीएम बनाने के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा है कि हर कोई अपने पुत्र को अपने से बड़ा देखना चाहता है, तो मांझी जी अपने पुत्र को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत है। महिला T20 विश्व कप में आज सेमीफाइनल की पहली जंग में भारत ऑस्ट्रेलिया आमने सामने है। भारतीय महिला टीम के लिए ये लड़ाई बड़ी है और इस बड़ी लड़ाई को जितना कैसे है ये टीम इंडिया को बताया है दीदी ने। दीदी यानी मिताली राज। भारत की मौजूदा टीम की लगभग हर सदस्य उन्हें यही कहकर पुकारती है। ये पहली बार होगा जब मिताली राज के बगैर महिला सीनियर टीम किसी ICC टूर्नामेंट का नॉकआउट खेल रही होंगी। अब इतने अहम मैच में टीम को राज कैसे कराना है ये मिताली से बेहतर भला कौन बता सकता था। प्रधानमंत्री मंत्रालयों के साथ बिंदुवार बजट प्रावधानों पर चर्चा करेंगे और क्रियान्वयन मॉडल तैयार करने पर भी बातचीत करेंगे। इसके तहत 23 फरवरी से 11 मार्च तक 12 वेबिनार होंगे। इसमें विभिन्न सत्रों के माध्यम से किसान, उद्योग, युवाओं, लघु और सूक्ष्म उद्योगों, पर्यावरणविदों, मंत्रालयों के अधिकारियों, विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों के साथ चिंतन किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के कल 24 फरवरी को एक साल पूरा हो जाएगा। इसी बीच यूक्रेन के सांसद वादिम हलाइचुक ने एक बार फिर बताया कि यूक्रेन झुकेगा नहीं। इस दौरान यूक्रेनी सांसदों ने रूस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का बयान युद्ध का युग नहीं है, इसके लिए हम पीएम मोदी के आभारी हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य ताकत और क्षमताओं को देखते हुए हमें पूरा भरोसा है कि रूस को यह संदेश सुनना होगा। भारत चीन के बीच सीमा मामलों को लेकर परामर्श एवं समन्वय प्रणाली की बुधवार को 26वीं बैठक हुई। इस बैठक में पूर्वी लद्दाख के बचे हुए बिंदुओं से सेनाओं को हटाने के मुद्दे पर वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक को जल्द आयोजित करने की लेकर सहमति बनी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्दीवाला की पीठ ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए ठाकरे गुट को चिंचवाड़ा और कस्बा पेट उपचुनाव के लिए शिवसेना नाम और जलता मसाल चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी है।
शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने बीजेपी से लड़ने से विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। बुधवार को सामना के संपादकीय में उद्धव ने लिखा है कि मौजूदा बीजेपी से अलग चूल्हा जलाकर नहीं लड़ा जा सकता। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने 2024 में पीएम पद को लेकर अपनी उम्मीदवारी को लेकर बड़ी बात कही। उद्धव ने लिखा है कि अगर मौजूदा बीजेपी से लड़ना है तो अलग संसार या चूल्हा जलाकर नहीं लड़ना जा सकता है। विपक्षियों की एकता की वज्र मुट्ठी बनाए बिना लड़ना संभव नहीं। अभी कांग्रेस अकेले बीजेपी से नहीं लड़ सकती है। विपक्ष की एकता के लिए हमारे बहुत ईमानदार प्रयास हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होते हैं तो भारत सरकार को इस क्षेत्र में चुनाव कराना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति सामान्य होने का केंद्र का दावा सही है तो उसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना चाहिए। श्रीनगर से लोकसभा सदस्य अब्दुल्ला ने यह आरोप भी लगाया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में मुद्दों पर लोगों के साथ नौटंकी कर रही है। उन्होंने मीडिया से कहा कि वे राज्य का दर्जा बहाल नहीं करना चाहते हैं। यह सब हमें और दुनिया को गुमराह करने की नौटंकी है। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा है कि दिल्ली में पिछले एक साल में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। ये जानकर अच्छा लगा कि एलजी साहिब ने आखिरकार कानून व्यवस्था पर मीटिंग ली। एलजी साहिब को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी मीटिंग जल्दी जल्दी करनी चाहिए। जावेद अख्तर ने सीधे कह दिया कि मुंबई हमलों के लोग आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। मौका था लाहौर से 17 से 19 फरवरी तक चले फैज फेस्टिवल का, लेकिन यहां जावेद अख्तर का एक बयान वायरल हो गया जिसमें वो पाकिस्तान को बुरी तरह घेरते दिखे हैं। जावेद अख्तर ने कहा है कि आजकल जो फिजा इतनी गर्म है वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था। वे लोग नॉर्वे से तो आए नहीं थे, ना ही इजिप्ट से आए थे। वे लोग आपके मुल्क में अभी भी घूम रहे हैं। ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने भारत की तरक्की के कसीदे पढ़े। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग गेट्स नोट्स में कहा है कि भारत भविष्य के लिए आशा देता है और साबित करता है कि देश बड़ी समस्याओं को एक बार में हल कर सकता है। उन्होंने कहा है कि जब दुनिया कई संकटों का सामना कर रही है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को एक के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भीम एसबीआई पे लॉन्च कर दिया है। अब इसके जरिए देश के सबसे बड़े बैंक के कस्टमर्स अब रियल टाइम में भारत से सिंगापुर पैसे ट्रांसफर करवा पाएंगे। हाल ही में भारत की यूपीआई और सिंगापुर के पिनाओ के लिंक किया गया है। ऐसे में अब दोनों के जरिए भारत से सिंगापुर अब आसानी से यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जल्दबाजी से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर अभी तक पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। नई दिल्ली में संकल्प दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और अपने कैबिनेट के सहयोगी मंत्रियों को विश्वास में लाए बिना ही आकाशवाणी भवन जाकर एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया था। उस समय भारतीय सेना मजबूत स्थिति में थी और पाकिस्तान से अवैध कब्जा मुक्त करवाने में सक्षम थी। पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि मैं अकेला एक तरफ और सारा विपक्ष एक तरफ। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी पार्टी है तुम्हारे साथ, आरएसएस तुम्हारे साथ, दूसरे लोग हैं तुम्हारे साथ। बेचारे तुमको बनाने वाले तो घर में बैठ गए हैं और ये छाती ठोक ठोक कर बोलते हैं कि मैं अकेला ही काफी हूँ। शेयर बाजार किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तरह से किसी देश, गांव या शहर के विकास के लिए सड़क परिवहन, हवाई अड्डे, रेल यातायात, बिजली, पेयजल की जरूरत होती है, वैसे ही देश के आर्थिक विकास के लिए शेयर बाजार जरूरी है। आधुनिक समय में शेयर बाजार की हालत देखकर उस देश की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इस समय पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात हो गए। हालांकि पाकिस्तान के राजनीतिक हालात इससे बिल्कुल अलग हैं। यहां सरकार को अपदस्थ पर कभी भी सेना व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकती है। जाहिर है अगर बदहाल पाकिस्तान में सैन्य शासन फिर से लागू होता है तो भारत के लिए स्थितियां ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन सकती हैं। कर्नाटक में एक फिर से हिजाब को लेकर छात्रों के समूह ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां उन्होंने कर्नाटक के सरकारी शिक्षण संस्थानों को निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह अक्टूबर में संबंधित मामलों में दो न्यायाधीशों के विभाजित फैसले के मद्देनजर मामले को उठाने के लिए तीन न्यायाधीशों की बेंच गठित करने पर जल्दी काम करेंगे। सड़कों पर वाहनों के लिए बढ़ते बोझ के बीच अब उड़ने वाली कार का सपना बहुत जल्दी ही साकार होने वाला है। जापान में हाल ही में फ्लाइंग कार का टेस्ट फ्लाई किया गया है। ओकायमा बेस्ड रिसर्च ग्रुप एमएएससी ने इस टेस्ट को कंडक्ट कराया। फ्लाइंग कार को भविष्य का ट्रांसपोर्ट माना जा रहा है। जिस तरह से बढ़ती आबादी के बीच ट्रैफिक बड़ी समस्या बनती जा रही है, ऐसे में फ्लाइंग कार दिक्कतें आसान कर देंगी। तुर्की सीरिया में भूकंप आने के तीन दिन पहले ही उसकी भविष्यवाणी करने वाले डच रिसर्चर फ्रैंक हुगरबिट्स एक बार फिर चर्चा में। दरअसल आज चीन में 7.3 तीव्रता का तेज भूकंप आया है। इस भूकंप का असर चीन के सिजियांग इलाके के अलावा पूर्व तजिकिस्तान,
में भी दिखा है। हाल में ही डच रिसर्चर ग्रैंक हुगरबिट्स ने एक वीडियो में भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि जल्द अधिक तीव्रता भूकंप भारतीय उपमहाद्वीप में आ सकता है। इसका असर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत पर हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कक्षा में धौंस पट्टी दिखाने वाले ऐसे छात्र की तरह है जो किसी का सम्मान नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह सब जानता है। गांधी ने शिलांग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि टीएमसी मेघालय में यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव लड़ रही है कि पूर्वोत्तर राज्य में भाजपा सत्ता में आ जाए। रेल के इस उपलब्धि की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की। भारतीय रेल मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। रेल मंत्रालय ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के साथ अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेल अब चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बन गया है। उत्तर प्रदेश ब्रॉडगेज लाइन 100% विद्युतीकृत होने के साथ कुल रूट किलोमीटर की 85% हिस्से की विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की है। इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने चावल, गेहूं और चीनी की पैकेजिंग में जूट की बोरियों के प्रयोग के लिए आरक्षण के नियमों को बुधवार को स्वीकृति दी, जिसके तहत इन अनाजों की 100% पैकिंग और चीनी की 20% पैकिंग केवल जूट की बोरियों में की जाएगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर एमडी, साकिर हुसैन एमडी, नौशाद रजा, अनवर हुसैन, महमूद अंसारी, बिट्टू कुमार, पुष्लेंद्र कुमार सिन्हा, अखिलेश यादव, दीपक कुमार, अंशुप्रिया, विजय राय और अनवर करीम खान। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भविष्यवाणी पर आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।